सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पीई एजुकेटर में। दोस्तों मेरा नाम है यश मांगंडिया और दोस्तों हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 आपकी पी बुक का, जिसको हम प्यार से नाम दे के बुलाते हैं फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। काफ़ी मज़ा आ रहा था हमको इस चैप्टर में। हमने 2 पार्ट इसके ख़त्म कर लिए, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो सेकेंड वीडियो था कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर की जान, जो पूरा चैप्टर में जो भी सब कुछ है वो इसी में ही है। इसके अलावा बाकी अब जो हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो लल्लू है, एक दो फाइल्स होगी मेरी, इसमें 1-2 पेजेस की वीडियो होगी, ठीक है। तो यार ये आगे का तो एकदम बकवास है यार, लेकिन ये जो मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए। आप लिखिए पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर दिस फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड लाइफस्टाइल ए फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर, मेरा वीडियो आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलनेस, ओके। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलनेस फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, न्यूट्रिशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हुई हो तो उसके लिए बहुत सॉरी, आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 कॉम्पोनेंट्स है फिजिकल वेलनेस के, कौन से फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल। ऑलराइट, तो चलिए एक एक को हम पढ़ते हैं। फिजिकल, गेटिंग इन शेप, रेगुलर एक्सरसाइज, शेप में आने के लिए एकदम परफेक्ट, जैसे आप पहले ऐसे थे उसमें के बाद ऐसे आने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग, गुड स्लीप, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए और गुड स्लीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है। प्लीज़ यार जो नाइट स्टडी करते हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है यार, नाइट स्टडी मत क्या करो। मेरा मानना है रात का समय राक्षसों का समय होता है, उस समय राक्षस जगते हैं रात के समय, ठीक है, अच्छे लोग सो जाते हैं। तो कृपया करके यार प्लीज़ सो जाइए, पबजी छोड़ दीजिए यार, अब इट्स हाई टाइम नाउ, आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एथलीट अपीरियंस होना चाहिए, मतलब एकदम ऐसा लगना चाहिए एनर्जेटिक हो आप हमेशा, ऐसे कभी भी ढीला हम मम्मी आज मैं क्या यार, मम्मी पानी ला के दे दो ना यार, आप इतना भी नहीं कर सकते क्या यार, मैं थका हुआ हूँ ट्यूशन से आया हूँ यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है। इससे आपको मम्मी देखो, मम्मी आपको ला के दे देगी, मम्मी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा यार, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये कुछ एक्सरसाइज जिससे आप फिजिकल वेलनेस अपने बॉडी के अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाए गए अलग अलग, ठीक है। सोशल के बारे में बात करते हैं, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। ये जो वेलनेस, अगर हम लोग बॉडी फिट रहेगी हमारी तो हम लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, इंटरेक्ट यानी कम्युनिकेशन स्किल हमारी इंप्रूव होगी, हम अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। अगर आपको बीमारी होगी भाई हाँ भाई बोल अच्छी रुक जा भाई कल बात करते, तो आपको एकदम अच्छे से फिजिकल रहोगे तो सोशल में भी हेल्प रहेगा। फिजिकल इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, ऐसा कभी भी गलत नहीं, यार मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा यार, मेरा JEE में सिलेक्शन नहीं होगा यार, यार मैं CA नहीं बन पाऊँगा, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, मेहनत करो, किसे मेहनत करने से रोका, आपकी मम्मी पापा आपको बोलते हैं मेहनत मत करो, ऐसा बोलते हैं, ऑफकोर्स नहीं बोलते होंगे यार, आपके हर मम्मी पापा अपने बच्चे का चाहता है कि वो एक स्टेज चढ़ के एक ऐसे मुकाम पर जाए जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता है, उसको किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े मुश्किल वक्त में, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो यार अपने अंदर, ठीक है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, मेक अदर फील इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो, कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि यार मैं बड़े घर का हूँ तो मैं दूसरों के, ये जो गरीब लोग बैठे रहते हैं, ये जो फालतू के लोग, इनके सामने क्यों ऐसे फालतू अपने पैसे वेस्ट करूँ, ऐसे मतलब रिस्पेक्ट दिखाओ यार बड़ों, आपको एल्डर्स है वो आपसे यार, उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी आपसे, वो आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं, आपके मॉम ने आपको कुछ बोलते तो आपके भले के लिए बोलते हैं, आपकी लाइफ बनेगी, आज उनकी सुन लोगे तो कल किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। एक शेर याद आया इसी के साथ साथ मेरे को, सॉरी मैं पढ़ाई के बीच में ये ला रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि
छोड़ो मैं बाद में बताता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी ठीक है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, मेक अदर फील इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट, हेल्दी सोशल सर्कल, विजिट फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ठीक है, अगर आप वेल रहोगे तो यार आपको बार बार घूमने में मजा आएगा यार, यार मैं फिट हूँ यार, वाह मज़ा आ रहा है यार, वाह मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये सोशल हमने कर लिया, फिजिकल हमने कर लिया, अब हमारी बात ये है इमोशनल की। रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। अगर आप उदास रहोगे, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, मैं नहीं कर पा रहा यार, मैं नहीं हो पा रहा पास यार, मेरे क्लास में यार 720 में से लोग 500-600 मार रहे हैं, मैं 300 पे अटका हूँ, फक यार मैं नहीं कर पा रहा। ये अगर आपके अंदर आप ये नहीं हो ना इमोशनल, कभी भी अपना को खोदो मत, मतलब ज़मीन के अंदर मत गाड़ो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपका ये जो इमोशनल फीलिंग है ना, ये आपकी मेंटल टेंशन को भी, जितना परेशान होगे ना उतना काम करना बहुत कम मन करेगा उस काम करने को। ठीक है, तो इमोशनल कम, जिससे हमारा टेंशन, मेंटल टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, रिलीफ फ्रॉम एक्सिनिटी, इंजॉय डेली लाइफ, हमको परेशानी से, सारी परेशानियों से दूर कर देगा और एकदम इंजॉय वाली, एकदम खुशी खुशी हमारी लाइफ, मतलब दिन एकदम ऐसा बीतेगा जैसे कि स्वर्ग में हुआ। ओके, कंट्रोल इमोशंस, अवॉइड वर्किंग ओवर टाइम, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है और ये इमोशनल ऐसी है चीज़ है जो आपको ओवर टाइम वर्क करने पे भी अवॉइड यानी हेल्प करती है आपको ओवर टाइम, जैसे कि आप रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हो, नथिंग देन एल्स। ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल बात यार एक्टिविटीज़ की, काफ़ी सिंपल पॉइंट्स है यार, बहुत ईजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसके लिए मैं एकदम फिर भी समझा रहा हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअल ब्रिंग्स इनर पीस, हमारे दिल को शांत करता है, स्पिरिचुअल जो है वो हमारे मन को शांत करता है। गॉड फियरिंग, ट्रू टू वन सेल्फ, हमें डर, ये सब जो डर चीज़, ये सब डर जो वर्ड होता है, इससे हमको बचाती है। ठीक है, और ट्रू टू वन सेल्फ, और हमको ये अंदर कॉन्फिडेंस आती है कि हम ही सच है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, लेकिन जहाँ हम लोग की बात सही है वहाँ पे हम ही सच्चे हैं। ठीक है, कभी वैसे नहीं भाई तो टॉपर यही सही होगा, मैं थोड़ी ना सही हो पाऊँगा, मैं इतना कब से अच्छा हो जाऊँगा, पागल है क्या भाई, उसका कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरा आंसर गलत होगा उसका ही सही होगा, ये गलत एटीट्यूड यार, उसका भी आंसर गलत होता है, वो भी इंसान है, आपका भी सही हो सकता है, ये थिंकिंग अगर माइंड में लाओगे ना तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, गुड कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर एंड वर्च्यूज, ठीक है, आपको एक गुड कैरेक्टर बनाएगा आपको, मतलब अगर आपके अंदर से अगर आपको पीस लाएगा, ऑफकोर्स कबीर सिंह की एक वाणी है, मतलब एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अपना तन शीतल होए। ठीक है, अगर आपके मन के अंदर शांति है, ऑफकोर्स आप आम बोलचाल में एकदम अच्छे से बात करो, क्योंकि आप एकदम शांत हो, अगर आप गुस्से में होते हो, आपका दिल शांत नहीं होता कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया यार, तो आप आजू बाजू वालों से भी, चाहे उनकी कोई गलती नहीं हो, आप उनसे भी गंदी तरीके से बात करोगे। ठीक है, और स्पिरिचुअल कैसे आ सकता है, आपकी दिल को शांति कैसे मिल सकती है, बाय मेडिटेशन, प्रेयर्स, रिस्पेक्ट ऑल रीजन्स। ठीक है, आपको ये कैसे हो सकता है, मेडिटेशन करोगे, प्रेयर्स करोगे, रिस्पेक्ट करोगे हर रिलीजन्स को, तो आपके अंदर ये स्पिरिचुअल आ सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, ठीक है, इस कॉलम में जो है वो होंगे वो एग्जांपल्स है। ठीक है, एक बार देख लीजिए पीडीएफ को, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, पूरी क्लियर है यहाँ पे, ये भी पकड़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसने नहीं देखा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख लेना, हमें और भी करने हैं। ओके, तो हमने 4 हमारे कर लिए, लास्ट के 4 हमारे बाकी, फिर हमारा आज का वीडियो ख़त्म। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल बैलेंस एंड हेल्दी डाइट रिड्यूसेस फैटिक। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो फैटिक का मतलब यार हमारे इस चैप्टर बहुत बार आ चुका है, फैटिक मतलब सांस ऊपर नीचे होना। ठीक है, अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी किसी चीज़ को करने के लिए, फैटिक डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ आर बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैटिक। ठीक है, अगर साइंस के बच्चे या तो नॉन मेडिकल के बच्चे समझ जाना। ठीक है, रिड्यूसेस एक्सेस फैट। ठीक है, हमारा जो फैट है बॉडी में, जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है, वो हमारा बॉडी में कम कर सकता है अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन ले दो। ईट रॉ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें रॉ फ्रूट्स खाने चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है। ठीक है, और हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और फ्राइड फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। या ये न्यूट्रिलाइजेशन मेरे को समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स को मुझे सुना होगा, बेटा नीचे वॉकिंग करने चला कर हमारे साथ, पूरा दिन पढ़ते हैं हाथ रखकर, तेरा पेट फूल जाएगा, बैठा रहेगा, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है। हाँ दोस्तों, आपके पेरेंट्स एकदम सही बोल रहे हैं,
पेट फूलने के कारण बहुत सारी परेशानियाँ घर के अंदर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि देखो पेट फूल रहा है यार, क्वांटिटी बढ़ रही है तो अंदर बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। बी हेल्दी बी फिट के आपके एग्जाम्स भी आती है, ठीक है। फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट गोल्स, फाइनेंशियल यानी कि पैसों की धन बात, धन राशि के बारे में बात है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। मनी मैनेजमेंट गोल्स, अब आपको मनी अपना कैसे संभाल के रखना है, कैसे करना है, ये आपको आता ही होगा, यानी कि आपको फाइनेंशियल सिखाता है कि मनी मैनेजमेंट गोल्स, आप मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये आपको फाइनेंशियल सिखाता है। गेट आउट ऑफ डेब्ट्स, डेब्ट्स यानी कि जैसे कि आप दब रहे हो, एकदम अंदर दब रहे हो, पैसे के बोझ के ऊपर दब रहे हो, लोन 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 लोन, यहाँ पे आप हो, ये आप हो, ठीक है, आपके ऊपर लोन एक आया, दूसरा लोन, दूसरा लोन, दूसरा लोन, लोन 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 लोन, आप उसके अंदर दब चुके हो और आप रो रो के परेशान होकर तबाह हो गए, ठीक है। तो ये आपको बाहर निकालता है, वो जो गड्ढाई थी ना उसको नीचे कर देता है और ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि आपको डेप्थ से बाहर निकालना, डेप्थ का मतलब होता है दबाव, पैसों का दबाव के नीचे जब आ जाता है। सेविंग प्लान्स, आपको अपने पैसे कैसे बचाने चाहिए, अभी जैसे वो चल रहा है क्या नाम है, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड जैसे कि कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे कि यार इसमें अपने पैसे बचाओ, अपना ज़िंदगी सुधारो, ठीक है। डोनेट फॉर चैरिटी, यार अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा आ गया हो, आप ये सब में क्या बोलते हो, एक जैसे आपके पास टीवी है घर पे तो एकदम अच्छा चल रहा है, बेच दिया जा यार, ये तो भंगार नहीं, इतना पुराना मॉडल मैं नहीं यूज़ करता, जो नया ट्रेंडिंग पे आया ये नया लिया, अबे यार ये तो कब का पुराना है, तूने ये लिया है, इससे अच्छा वो लेता ना जो अभी नया आया है, अच्छा ऐसा चल इसको भी फेंक देता हूँ, नया ले लेता, ये क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है यार, आप टीवी ये यूज़ करो, ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, सीरियल सब में एक ही आएगा, ठीक है। तो डोनेट फॉर चैरिटी, अगर आपके पास इतना ही पैसा है, अगर आप टीवी में ऐसे तीन तीन टीवी, दो टीवी ऐसे फेंक सकते हो, चैरिटी कर दो ऐसे, अच्छा वो टीवी जो किसी गरीब के पास जाएगा, वो एक गरीब के पास जाएगा ना, वो 100 गरीबों को उस टीवी पे दिखाएगा, वो सब एक साथ गरीब बैठ के देख लेंगे, अगर आप उसको चैरिटी करो, चैरिटी का मतलब डोनेट करोगे, ओके। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, अलर्टनेस ऑफ माइंड, आपके दिमाग को एकदम सही समय पे एकदम, मतलब जैसे कि कोई चोरी हुई तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, घबराने की जगह आपको क्या करना चाहिए, ये आपको सिखाएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, वही एग्जांपल लेते हैं चोरी का, अगर आपके घर में चोरी हो गया तो यार अचानक से अगर आपके घर में चोर आ गया तो आप क्या सोचोगे, उस समय क्या करने की कोशिश सोचोगे, क्या उसके पास जाके उसके हमें भीख मांगोगे, प्लीज़ मेरे घर से निकल जा, नेवर, ओके। आप कुछ पुलिस को खबर करने की कोशिश करो या तो अपने पेरेंट्स को खबर करने की कोशिश करोगे। क्विक डिवीजन, और ये डिवीजन धीरे धीरे नहीं होगा, अरे यार करूँ कि नहीं करूँ, साला मेरे को गोली से उड़ा ना दे, क्विक डिवीजन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, कर ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लर्न न्यू स्किल्स, क्यूरियोसिटी, आपको नई चीज़ जाननी चाहिए और उस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में हम लोग को पढ़ाई पता है, मैं ये इस बात स्टार्टिंग से कहता हूँ यार, मैंने जितने भी जहाँ पे भी ऑडिशन दिए ना, मेरा उन्होंने वो मांगा है मेरे बारे में जानने का, मेरा इंट्रोडक्शन जानने का, मैंने हर जगह इंट्रोडक्शन में मेरा नीचे यही लिखा था दैट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँ कि वो कुछ नई चीज़ जानने के लिए पढ़े, स्कोर करने के लिए नहीं पढ़े। क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी रखोगे ना, तो आपके पास जो आप पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे वो आकर उड़ के आपके पास आ जाएगा, अगर आपके पास आ जाएगा आप वो जान जाओगे कैसे करके, कोई दूसरे वे से जाओगे लेकिन वो जो दूसरे वे से जाओगे उधर आपको बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप इस वे से आओगे आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने को पढ़नी थी, ठीक है। तो यार स्टडी टू लर्न न्यू थिंग्स, नॉट टू स्कोर हाई, ओके। तो ये टॉपिक में हमारा हो गया, और नेक्स्ट इज आर एनवायरमेंटल, विच इज़ आर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो। अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल रिसाइकल ऑफ प्रोडक्ट, हमें इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस देता है कि यार आपको क्या फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए। आपको अभी न्यूज़ में बताया जा रहा होगा जो प्लास्टिक है वो 4400 समथिंग नहीं 400 या 4000 समथिंग ईयर्स लगाता है गायब होने के लिए, डिग्रेड होने के लिए। सो प्लास्टिक, ऑलराइट, मेरे को एग्जैक्ट यानी 10 आएगा कि 10 घटेगा, ओके। इंडिविजुअल्स आर हेल्दी रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है। हमें एक जन को अगर हेल्दी रहना है, अगर आपको इंडिविजुअली आपको सोसाइटी को हेल्दी रखना है तो पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसेस ऑल द कंपोनेंट्स के आपको यार ब्लू डस्टबिन में यही फेंकना है तो यही फेंकना है, ग्रीन डस्टबिन में यही डालना है तो यही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालो, ओके। पॉल्यूशन फ्री एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, और मोदी सरकार भी इस पर बहुत काम कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान का
ये लागू करके, ठीक है? तो हम सबकी इच्छा है कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहे और हमारा इन्वायरमेंट ग्रीन हो यार। तो इसी बात पे एक रेड कलर का बटन होता है आपके नीचे वीडियो के, उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाए, हमारा माइंड का दिमाग और खुल जाए और आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी बहुत अगर तक मिले। दोस्तों आपको पता है एक यूट्यूबर की एक खास चीज़ होती है, अगर आप उसको मोटिवेट करोगे ना वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देगा। तो प्लीज़ यार ऐसे तो आप बहुत ऐसा सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को यार, 2 मंथ्स में इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो मैं आगे की सोच नहीं सका रहा। ठीक है दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलनेस इस वीडियो में खत्म हो गया है दोस्तों। ठीक है काफ़ी मज़ा आ रही है मेरे को यार आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने में, बहुत अच्छा चैप्टर यार। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस था, हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलनेस भी आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ठीक है स्पिरिचुअल देखा था, फिर न्यूट्रलाइजेशन देखा था, फिर फाइनेंशियल देखा था, एनवायरमेंटल देखा था, और एक और देखा था इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक था जिसको हम क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ओके तो हमने आज के वीडियो में बस इतना पढ़ना था, और एक अनाउंसमेंट के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, काफ़ी जल्द इस चैप्टर के बाद शायद एक वीडियो आने वाली है दोस्तों, जो CBSE ने एक लॉन्च किया है कि कौन से टॉपिक्स आपके निकाल दिए गए हैं PE बुक से और कौन से इंक्लूड कर दिए गए हैं आपकी PE बुक में। जैसे कि इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो निकाल दिए गए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डाल भी दिए गए हैं, तो उस चैप्टर के उस सारे वो जो PDF है वो मेरे पास जल्दी आने वाली है, मैं आपको इसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे पास आ चुकी है वो, एक दिन कल आ जाएगी मेरे पास। ठीक है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद बनाऊंगा, ताकि बीच में आपके यूट्यूब के वीडियोस के बीच में ये ना आ जाए अरे यार चैप्टर के बीच में ये आ गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वो वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है और दोस्तों #  स्वच्छ भारत अभियान अपने वीडियो के नीचे लिखिए प्लीज़, हम लोग चाहते हैं हमारा जो भारत है ये पॉल्यूशन फ्री रहे और ग्रीन एनवायरनमेंट रहे, तो #  क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान जो लिखना आप लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है यश मावंडिया।